बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज। दोस्तों अगर आपको अभी के टाइम पे 10,000 के बजट में एक अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, तो आपको बता दें कि आपको कंफ्यूजन में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपके लिए टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है जिसे आप खरीद सकते हैं अभी के टाइम पे 10,000 के बजट में, और मैंने कोशिश किया है कि अपने लिस्ट में लेटेस्ट फोन को रखा जाए। और बात रहा फीचर्स का, तो इस बजट के हिसाब से सभी फोन में फीचर्स काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा। जैसे अच्छा कैमरा होगा, 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा होगा, पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा, अच्छा डिस्प्ले होगा, उसके साथ साथ हाई रिफ्रेश रेट भी होगा, फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा एंड बड़ा रैम स्टोरेज भी होगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहे, तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो को। तो लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है Realme की तरफ से Realme C53। अगर आपको 10,000 के बजट में खूबसूरत दिखने वाला एक अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए, तब आप इस फोन को भी ले सकते हैं। और बात रहा फीचर्स का, तो इस बजट के हिसाब से फीचर्स भी इस फोन में सही है। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इस फोन का कैमरा से। गाइस इस फोन के पीछे के साइड दो कैमरा मिलेगा, मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि डेप्थ सेंसर है, एंड वही सेल्फी कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप पीछे का कैमरा से फुल एचडी तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। भाई 10,000 वाले फोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, कैमरा भी इस बजट के हिसाब से बढ़िया है, कैमरा को खराब नहीं कह सकते हैं। इस फोन के कैमरा में आपको काफी सारा मोड फिल्टर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.74 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा जो कि IPS डिस्प्ले है। इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का डिस्प्ले रेट दिया गया है और 450 निट्स का ब्राइटनेस भी है। स्मूथनेस वगैरह इस बजट के हिसाब से ठीक है, एंड ध्यान रहे कि इस फोन का डिस्प्ले वो HD डिस्प्ले ही है। डिस्प्ले का साइज काफी बड़ा है तो मूवी वगैरह देखने में काफी मजा आएगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें यूनिसोक T612 वाला प्रोसेसर मिलेगा। इसका अंतुतु स्कोर लगभग 2.5 लाख के आसपास है। प्रोसेसर इस बजट के हिसाब से नॉर्मल है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो गाइस इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 18W का फास्ट चार्जर को, एंड 10,000 वाले फोन में अगर 18W का चार्जर भी मिल रहा है तो अच्छी बात है। ये रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, एंड आप 2TB तक का मेमोरी को लगा भी सकते हैं। बाकी बात बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 7.99mm का थिकनेस एंड 186g इस फोन का वेट है, यानी कि पतला एंड लाइट वेट फोन है, एंड डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत भी लगता है। इसके अलावा इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलेगा जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन रियलमी UIT एडिशन के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस है। आइए फिर बात कर लेते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का। तो वैसे तो ये फोन 3 वेरिएंट में आता है, 4128 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 9,999 रुपया है, यानी कि 10,000 रुपया है, और 10,000 के बजट के हिसाब से ये एक अच्छा स्मार्टफोन है, आप चाहे तो इस फोन को ले सकते हैं। और आपको बता दें कि इससे भी अच्छा अच्छा फोन अभी हमारे लिस्ट में बचा हुआ है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपनी लिस्ट का अगला फोन का। तो लिस्ट में 4th नंबर पे आता है मोटो की तरफ से Motorola G14। ये भी एक अच्छा लेटेस्ट स्मार्टफोन है एंड 10,000 के बजट में आपको आराम से मिल जाएगा और फीचर्स वगैरह इस बजट के हिसाब से काफी बढ़िया मिलेगा। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, चलिए देखते हैं। इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा और यह एक पंच होल डिस्प्ले है और इसमें नॉर्मल 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो देखिये डिस्प्ले फुल HD मिल रहा है तो अच्छी बात है, डिस्प्ले इस बजट के हिसाब से बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो गाइस इस फोन के पीछे के साइड दो कैमरा मिलेगा, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो सेंसर है, एंड सेल्फी कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। कैमरा 10,000 के बजट के हिसाब से ठीक है, खास करके प्राइमरी कैमरा इस फोन का काफी बेटर मिलेगा। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें यूनिसोक T616 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 12nm पर ही बना हुआ है प्रोसेसर, एंड 10,000 के बजट के हिसाब से भी प्रोसेसर ठीक है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 20W का चार्ज को, एंड 5000mAh का बैटरी मिल रहा है तो आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा, एंड 20W का चार्जर भी इस बजट के हिसाब से ठीक है। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 4GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, एंड आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 7.99mm का थिकनेस है जो कि काफी पतला सा फोन है, एंड 177g इस फोन का वेट है, यानी कि लाइट वेट फोन है। डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत भी लगता है, फिर भी देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अलावा इसमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है, फेस अनलॉक का सपोर्ट तो मिलेगा ही, एंड डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं, एंड इसमें IP52 का रेटिंग भी मिल जाएगा। ये फोन मोटो का है तो ऑफकोर्स ये फोन स्टॉक एंड्रॉइड के ही साथ आएगा जो कि रन करता है एंड्रॉइड 13 पर। आइए फिर बात कर लेते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का, तो गाइस इस फोन का प्राइस फिलहाल के टाइम पे फ्लिपकार्ट पर 9,999 रुपया है, यानी कि 10,000 रुपया इस फोन का प्राइस है।
है। अगर आपको 10,000 के बजट में क्लीन यूआई के साथ आने वाला एक अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन को भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अपने लिस्ट में थर्ड नंबर पे आता है रियलमी की तरफ से रियलमी C55। अगर आपको 10-11 हज़ार के बजट में खूबसूरत दिखने वाला एक अच्छा सा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन को भी ले सकते हैं। फीचर्स वगैरह भी इस बजट के हिसाब से बढ़िया ही मिलेगा। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। ये फोन जो है ना प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, 7.89 mm का थिकनेस है जो कि काफी पतला सा फोन है एंड 190 ग्राम के आसपास वेट है, यानी कि वेट एवरेज टाइप का ही है। डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत लगता है। बाकी बात ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलेगा जिससे आप डबल एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। 3.5 mm वाला हेडफोन जैक भी मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। एंड यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन रियलमी यूआई 4.0 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस है। अब आइए बात करते हैं इस फोन का कुछ मेन फीचर्स का। गाइस इसमें 6.72 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 90 Hz का रिफ्रेश रेट एंड 180 Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है एंड 550 nits का ब्राइटनेस भी है। और हाँ, यह एक पंच होल डिस्प्ले है। स्मूथनेस वगैरह इस बजट के हिसाब से बढ़िया मिलेगा। डिस्प्ले का साइज भी काफी बड़ा है तो मूवी वगैरह देखने में काफी मजा आएगा। तो डिस्प्ले बढ़िया ही है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इस फोन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है एंड सेल्फी कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.7 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर। तो इस बजट के हिसाब से कैमरा भी इस फोन का बढ़िया है, कैमरा को खराब नहीं कह सकते हैं। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें मीडियाटेक हेलियो G88 वाला प्रोसेसर मिलेगा। इसका अंतुतु स्कोर लगभग 2,10,000 के आसपास में है एंड अगर 10-11 हज़ार वाले फोन में ये प्रोसेसर मिल रहा है तब ठीक है। इस बजट के हिसाब से प्रोसेसर बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो गाइस इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33 W का फास्ट चार्जर को। तो चार्जर को बढ़िया कह सकते हैं, चार्जर इस बजट के हिसाब से काफी बढ़िया है। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा एंड आप 1TB तक का मेमोरी को लगा भी सकते हैं। ये इस फोन का बेस वेरिएंट है। इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 10,999 रुपये है, यानी कि 11,000 रुपया है एंड 10-11 हज़ार के बजट के हिसाब से ये एक अच्छा स्मार्टफोन है। आप चाहे तो इस फोन को ले सकते हैं। ये फोन उनके लिए बेस्ट होगा जिनका बजट 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। लिस्ट में सेकंड नंबर पे जो फोन आता है वो फोन आता है Redmi की तरफ से Redmi 12 4G। ध्यान रहे कि Redmi 12 5G भी आता है बट उसका प्राइस ज्यादा है। ये 4G वाला वेरिएंट आपको 10,000 रुपया में आराम से मिल जाएगा। अगर आपको 10,000 के बजट में कोई लेटेस्ट बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन को भी ले सकते हैं। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। गाइस इस फोन का बैक साइड ग्लास का बना हुआ एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 8.17 mm का थिकनेस एंड 198 ग्राम इस फोन का वेट है। इस फोन का बैक साइड ग्लास का बना हुआ एंड डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत भी लगता है। वेट और थिकनेस तो एवरेज टाइप का ही है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का बढ़िया मिलेगा। बाकी बात 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा। हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन MIUI 14 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस है एंड इसमें IP53 का रेटिंग भी मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं इस फोन का कुछ मेन फीचर्स का। गाइस इसमें 6.79 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा जिसमें 90 Hz का रिफ्रेश रेट एंड 240 Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 450 nits का ब्राइटनेस एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। और हाँ, यह भी एक पंच होल डिस्प्ले है। स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह बढ़िया मिलेगा एंड डिस्प्ले भी इस बजट के हिसाब से बढ़िया है। कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50 MP का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 MP का है, थर्ड कैमरा 2 MP का है जो कि मैक्रो सेंसर है और सेल्फी कैमरा वो 8 MP का है। मेन कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आगे पीछे दोनों कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर। नो डाउट इस बजट के हिसाब से कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा। जैसा 10,000 वाले फोन में कैमरा मिलता है ना, उससे बेहतर इस फोन का कैमरा होगा। खैर प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें मीडियाटेक हेलियो G88 वाला प्रोसेसर मिलेगा। 10,000-11,000 के बजट के हिसाब से ये प्रोसेसर ठीक है। अगर ये प्रोसेसर 11,000 तक के फोन में मिल रहा है तब ठीक है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 22.5 W का चार्जर को। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 4GB का रैम एंड 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा एंड आप 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा भी सकते हैं। तो आइए फिर बात कर लेते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का। तो गाइस ये फोन दो वेरिएंट में आता है। 4128 वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 9,999 रुपया देना होगा एंड 6128 वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 11,500 रुपया देना होगा। तो आपको बता दें कि इस फोन का बेस वेरिएंट ही आपके लिए एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकता है। इस फोन में 11,500 रुपया फंसाकर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि आगे जो हम आपको फोन बताएंगे वो 11,500 रुपया में नहीं बल्कि 11,000 रुपया में ही मिल जाएगा। वो 5G फोन है एंड फीचर्स भी इस फोन के मुकाबले में काफी तगड़ा लेवल का होगा उस फोन में। चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का।
लिस्ट में लास्ट बेस्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, पोको M6 Pro 5G। अगर आपका बजट 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा है यानी कि 11,000 के आसपास में है और आपको इस बजट में एक अच्छा 5G स्मार्टफोन चाहिए जिसमें इस बजट के हिसाब से सभी फीचर्स काफी तगड़ा लेवल का हो, तब आप इस फोन को ले सकते हैं। और इस बजट के हिसाब से फीचर्स जो ना काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा इस फोन में। फीचर्स को देखकर लगेगा कि ये फोन 14,000-15,000 रुपया वाला फोन है, बट यहाँ पे आपको 11,000 रुपया में ही मिल जाएगा। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस फोन का बिल्ड क्वालिटी से ही। गाइस इस फोन का बैक साइड जो है ना वो ग्लास का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम दिया गया है। 8.17 mm का थिकनेस एंड 199 ग्राम इस फोन का वेट है। ये फोन पतला तो फोन है बट वेट एवरेज टाइप का ही है और डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत भी लगता है। इस बजट के फोन में ग्लास बैक के साथ आ रहा है तो अच्छी बात है ये। इसके अलावा 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है यानी कि 2 SIM एंड 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन MIUI 14 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस है। इनमें LPDDR4X का रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलेगा एंड IP53 का रेटिंग भी दिया गया है। तो बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले का, तो गाइस इसमें 6.79 इंच का फुल HD+IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा और हाँ यह एक पंच होल डिस्प्ले है। 90Hz का रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। 550 nits का ब्राइटनेस एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो स्मूथनेस 11,000 के बजट के हिसाब से नो डाउट काफी तगड़ा लेवल का है एंड ब्राइटनेस भी ऐसा है कि इससे काम चल सकता है। अगर आप इस फोन को धूप वगैरह में यूज करेंगे तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो नो डाउट डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो गाइस इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। पीछे के साइड 2 कैमरा है, मेन कैमरा 50 MP का है, सेकेंड कैमरा 2 MP का है एंड सेल्फी कैमरा वो 8 MP का है। मेन कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर। 11,000-12,000 वाले फोन में जैसा कैमरा होना चाहिए ना, उससे बेहतर कैमरा इस फोन का मिल जाएगा। कैमरा इस फोन का बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो गाइस इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 5G प्रोसेसर है। यह प्रोसेसर 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और 4.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। प्रोसेसर नो डाउट काफी पावरफुल मिलेगा एंड इस बजट के हिसाब से स्कोर भी काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है। अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे। इसके अलावा बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 18W का फास्ट चार्जर को। 11,000 के बजट के हिसाब से चार्जर को खराब नहीं कह सकते हैं, चार्जर ठीक है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इसमें 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा एंड आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगा भी सकते हैं। ये इस फोन का बेस वेरिएंट है, इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 10,999 रुपया है यानी कि 11,000 रुपया है। वैसे इस फोन का टॉप वेरिएंट भी आता है 628 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 13,000 रुपया है। ये दोनों वेरिएंट इस बजट का एक अच्छा स्मार्टफोन है, आप अपने बजट के हिसाब से वेरिएंट को चूज कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने इस बजट में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को बता दिया है, अब आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर हो सकता है। आप अपने नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।